आज हम बनाना सीखते हैं चॉकलेट वालनट फज। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसे छोटे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। इस फज की एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो साल्टनेस आता है वो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। चलिए बिना देर किए बनाते हैं चॉकलेट वालनट फज। सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसको गैस में लो फ्लेम पर रखेंगे। इसमें डालेंगे 50 ग्राम बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। बटर हमारी मेल्ट हो रही है, अब इसमें ऐड करते हैं 75 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसको मैंने पहले से बाहर निकाल के रख लिया था। मैंने यहाँ अमूल की चॉकलेट इस्तेमाल की है, आप चाहें तो कोई भी डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट करिए, बराबर चलाते रहिए ताकि ये नीचे लगे नहीं। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में जो हल्का सा सॉल्टनेस आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स करें और ध्यान से इसको बराबर चलाते रहिए। अब इसमें डालेंगे 20 ग्राम कोको पाउडर। ये आपके पास वाली किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। ये बात का ध्यान रखिए कि इसे लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए ये थिक हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं 10 से 12 वालनट। मैंने यहाँ वालनट के साथ में बादाम का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से वालनट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे करते हैं एक मोल्ड में ट्रांसफ़र। इसको हल्के हाथों से सेट करेंगे धीरे से और इसमें डालेंगे ढेर सारे वॉलनट और इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।